की डेट में भाई मोस्टली एक्टिवा यूजर्स को पता ही नहीं है कि उनकी स्कूटी में भाई हैंड ब्रेक भी होती है। चाहे आपकी एक्टिवा 4G हो, 5G हो, 6G हो, आपको सब में हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगी। अब भाई ये किस तरीके से यूज़ करनी है, यूज़ तो खैर आपको पता ही है कहाँ पे करनी है। जैसे कि पुल पे अगर आपको स्कूटी रोकनी है तो भाई आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपका पंचर हो गया टायर तो आपको लेने जाना है, तो भाई स्टैंड पे लगा के थोड़ा सा खतरा रहता है आगे पीछे जाने का, तो आप इसे हैंड ब्रेक को यूज़ कर सकते हो। तो अब किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको ब्रेक लीवर जो है पूरे तरीके से प्रेस करना है। मैं थोड़ा सा घुटने का सहारा लेता हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा, तो इसे पूरा दबाने के बाद भाई देखो भाई ये जो टक्की सी आवाज आई है ना, ये हैंड ब्रेक इंगेज हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टायर घुमा के, ये देखो भाई टायर नहीं घूमेगा, ठीक है। अब इसे डिसइंगेज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। डिसइंगेज करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है, सीधा बस आपको ब्रेक लीवर होता है ना भाई, इसे दबाना। ये देखो भाई जो ये नीचे गया ना एकदम भाई डिसइंगेज हो गया। बाकी भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।